आईफोन एक्सएस, आज हम इसके बारे में रिव्यू करेंगे। क्या ये व्यूअर्स आपको 2023 में खरीदना चाहिए या नहीं चाहिए? ये एप्पल की तरफ से 2018 में मॉडल लॉन्च होने वाला है। इसके तीन मॉडल हुए थे, जिसमें एक आईफोन एक्स है, और एक एक्सएस है, और एक एक्सएस मैक्स है। आज जो हम जिस मॉडल का करने के लिए जा रहे हैं अभी, वो है हमारे पास एक्सएस। आज हम इसके बारे में बात करेंगे तफसीलन। इससे पहले हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। जी भैया, सबसे पहले हम डिजाइन पे बात कर लेते हैं। इसकी जो साइडें बनाई गई हैं वो स्टील में बनाई गई हैं, और जो इसके बैक साइड पे लगाया गया वो ग्लास लगाया गया है। और फ्रंट में देखेंगे डिस्प्ले में, जो सामने देखा जाए तो यहाँ पे एक नॉच नहीं बल्कि एक जिस तरह लेटेस्ट मॉडल का दिया है वो दिया गया, और इसके साथ एक आईडी दी गई है फेस कैमरा, और उसमें फेस आईडी दी हुई है, और बाकी फुल डिस्प्ले में दिया हुआ है। ये डिजाइन प्रीमियम डिजाइन है, दिखने में बहुत ही अच्छा डिजाइन है। मुझे पर्सनली बहुत अच्छा डिजाइन लगा। रिंग डिजाइन में दिया गया है, और जो गोल्ड कलर में है, और अगर व्हाइट होगा तो ये सिल्वर कलर में है, और ये स्टील का बनाया गया है। इसको बैक साइड पे ग्लास है, और एप्पल दिया गया है, और नीचे आईफोन लिखा हुआ है, और नीचे यहाँ पे लिखा हुआ है मेड इन बाय कैलिफोर्निया। और इसका जो कैमरा है बहुत ही औसम डिजाइन में दिया गया प्रिंट में, जिसके दरमियान में एक लाइट भी दी गई है, और बहुत ही अच्छी और बहुत ही डिजाइन, जो यार बस एक अलग ही फीलिंग आती है इसमें, इतना प्रीमियम डिजाइन बनाया गया है। की बात करें तो आईफोन एक्सेस में जो हमें डिस्प्ले देखने को मिलता है, ये रेटिना एमोलेड डिस्प्ले मिलता है, और इस 6.5 इंच का डिस्प्ले दिया गया हुआ है। यार इसमें डिस्प्ले की जो टच फिशिंग है ना, टचिंग बहुत ही औसम है, और बड़ी प्रीमियम है। क्यों? क्योंकि इसका जो टच है वो बहुत ही सुपर टच इस्तेमाल किया गया है रेटिना का, और इसलिए इसकी क्वालिटी जो है बाकी फोनों से टच की बहुत बेटर निकल के आती है। और ओवरऑल इसकी जो अगर हम मीडिया प्लेयर में बात करें तो इतने हाई पिक्सल इसमें इस्तेमाल किए गए हैं। अगर मैं आपको पिक्सल रेजोल्यूशन के बारे में बताऊं तो 1125x2460 तक इसमें पिक्सल इस्तेमाल किए गए हैं, जो कि बहुत ही हाई परफॉर्म रेजोल्यूशन देते हैं, और जिसमें बहुत ही अच्छी जो मीडिया की क्वालिटी है यार, मीडिया प्लेयर बहुत ही प्रीमियम है यार, बहुत ही अच्छा मजा आता है। मैं आपको बता दूं, अगर आप 1 लाख से भी प्लस रुपए का अगर आप कहीं से मोबाइल खरीदते हो इस वक्त में, आपको कभी भी ऐसे पिक्सल नहीं मिलने वाले जो कि यहाँ पे आपको डिस्प्ले में पिक्सल मिलते हैं। अगर हम कैमरों की बात करें तो सबसे पहले हम बैक कैमरे पे डिस्कस करते हैं, जिसमें आपको एक वाइड लेंस मिलता है 13 मेगापिक्सल का, और बहुत ही इसमें दरमियान में एक एलईडी लाइट मिलती है आपको, और इसका जो कैमरे 12 मेगापिक्सल है ना, इसका जो रिजल्ट होने वाला ना, आप भाई 108-108 मेगापिक्सल को भी भूल जाएंगे इस वक्त में। अगर आप कहीं से भी जाकर मोबाइल खरीदिए 1 लाख से प्लस भी, तो आपको ये कैमरे वाला रिजल्ट मिलने वाला नहीं है जो इसमें कैमरे का रिजल्ट दिया गया है। इसमें जो आप वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, हराम की वीडियो, अगर आप वीडियोग्राफिक स्पेशली वीडियोग्राफिक करना चाह रहे हैं यूट्यूब के लिए, या वैसे ब्लॉग करते हैं, तो मैं आपको ये रिकमेंड जरूर करूंगा, क्योंकि इसकी जो वीडियो आप 1080p और इसके अलावा 1080p के बाद 4K 30 और 4K 60 तक FPS तक वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, जो कि हाई क्वालिटी की वीडियो होती है। आपको आपको ऐसी क्वालिटी की वीडियो कहीं से भी नहीं मिलने वाली मोबाइल से, चाहे आप 1.5 लाख रुपए का भी जाके मार्केट से खरीद लें, जो इस मोबाइल में इस बजट में आपको मिलने वाली है। ये वाकई ही एक बहुत ही ज्यादा हाई क्वालिटी की वीडियो रिकॉर्डिंग करता है। आप 10 मिनट की वीडियो रिकॉर्डिंग करेंगे तो ये 4 से 5 GB तक चली जाएगी। जी हाँ, इतनी हाई वीडियो रिकॉर्डिंग करता है ये। 5 मेगापिक्सल कैमरा है इसका, सॉरी 12 मेगापिक्सल कैमरा, बहुत ही हाई है, बहुत ही बेहतरीन है। अगर आप वीडियोग्राफिक के बारे में सोच रहे हैं या फोटोग्राफी के बारे में सोच रहे हैं, तो आप इस मोबाइल की तरफ देख सकते हैं। तो हम फ्रंट कैमरे की बात करते हैं। इसमें जो फ्रंट कैमरा दिया गया वो सिर्फ 7 मेगापिक्सल दिया गया, और इसमें एक ऑटो फेस आईडी भी दी गई है, जो कि आपको फेस को स्कैन करके आपको मोबाइल को अनलॉक करती है। और इसमें बहुत ही अच्छा कैमरा है फ्रंट भी, इसमें भी आप 4K तक वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, और इसमें 1080p तक भी फोटो, और इसकी सेल्फी तो बहुत ही औसम होने वाली है व्यूअर्स, बहुत ही प्यारी सेल्फी है, बहुत ही अच्छी और क्वालिटी बेटर निकल के आती है इसकी। अगर हम सेल्फी की तरफ जाएं और वीडियो की तरफ जाएं, तो बैक कैमरा बेस्ट है, लेकिन फ्रंट कैमरा भी उससे कम नहीं है। अगर हम प्रोसेसर की बात करें तो इसमें जो प्रोसेसर दिया गया है बहुत ही हाई प्रोसेसर दिया गया है। एप्पल का अपना A12 बायो प्रोसेसर चिप दी गई है, जो कि बहुत पावरफुल चिप है, आपके डिवाइस को कहीं भी हैंग होने नहीं देगी, आपको कभी भी फील नहीं होने देगी कि आप एक लो बजट एक डिवाइस इस्तेमाल कर रहे हो।
बल्कि बहुत ही फास्ट चलेगी, बहुत ही फास्ट वर्क करेगी। आपको कहीं पे नजर नहीं आएगा कि आपका मोबाइल फोन कहीं पे रुक रहा है या कभी कहीं पे हैक हो रहा है या आपको कहीं से कोई प्रॉब्लम आ रही है। चाहे आप इस पे पबजी गेम भी खेलेंगे तो उसका भी आपका जो रिजल्ट आएगा वो बहुत ही औसम आने वाला है। आपको कहीं पे भी प्रॉब्लम होने वाली नहीं है अगर आप पबजी गेम लवर भी हैं, क्योंकि इसमें टच और ऊपर से इसका जो प्रोसेसर है बहुत ही पावरफुल है। इसमें आप जैसे मर्जी गेमिंग करें, प्रोसेसर में इतनी पावर है, आप कहीं पे भी मोबाइल रुकता जुटता कितनी भी ऐप आप इसमें कर लें, कितनी ही आप ऐप करके इनको ओपन करके एक टाइम में काम लें, लेकिन आपको ये कहीं पे भी मायूस ही करने वाला प्रोसेसर नहीं है, क्योंकि ये एप्पल का खुद का प्रोसेसर है और काफी ही पावरफुल है। और अगर आप आउट ऑफ मार्केट अदर कंपनी में एंड्रॉइड में जाते हो तो आपको ये 1.5 लाख से भी पैसों में ऐसे प्रोसेसर जो इस परफॉर्मेंस में दे रहा हो आपको कहीं से भी मिलने वाला नहीं है गाइस। अगर हम बैटरी की बात करें तो इसमें बैटरी बहुत कम की गई है। इसमें फोन को लाइट वेट रखने के लिए और फोन का रिजल्ट लेने के लिए इसमें जो बैटरी रखी गई है वो 2685 की बैटरी है, एमएच की बैटरी है, जो कि आपको डेली बेस में एक दिन को निकालेगी। अगर इसकी हेल्थ 90 या 80 से प्लस है, मैं आपको रेकमेंड नहीं करूंगा 80 से कम कोई भी हेल्थ वाला मोबाइल नहीं खरीदना चाहिए आपको। अगर आपकी बैटरी इसकी 80 से प्लस है या 90 है या 85 है तो ये आपका एक दिन बिल्कुल इजी निकालेगी, आपको कोई भी प्रॉब्लम होने वाला नहीं है। डे बाई डे जो टास्क होते हैं बिल्कुल इजी निकालेगी। हाँ, अगर आप एक पबजी गेमर हो तो फिर थोड़ा सा आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा इसकी बैटरी पे, क्योंकि इसकी बैटरी बहुत छोटी है, इतनी नहीं है कि आप पबजी गेम में मेरा ख्याल कोई 2 से 2.5 घंटे निकालेगी, इससे ज़्यादा नहीं निकालेगी। और बार बार चार्जिंग करने से आपकी हेल्थ भी बैटरी की गिरती रहेगी, जिससे आपकी बैटरी की जो ओवरऑल परफॉर्मेंस है वो ड्रॉप होगी और आपको रिजल्ट भी कम आना लगेगा। तो अगर आप पबजी खेल रहे हैं, ओवरऑल डे बाई डे बिजनेस के लिए, यूसेस के लिए, या आप वीडियोग्राफी है उसके लिए ये बैटरी काफ़ी अच्छी है। फाइनल में हम प्राइस की बात करते हैं, तो इसमें जो प्राइस की डिस्कस करें तो इस वक्त तो 2018 का मॉडल है और 2023 चल रहा है, तो 2023 में ये मोबाइल अगर बजट पैसे के हिसाब से देखा जाए तो ये बेस्ट होने वाला है इंडिया, बांग्लादेश, ओमान, कतर, दुबई में। ये एक बहुत ही बजट फोन है, और अगर आप इस्तेमाल कर रहे हो पाकिस्तान में तो इसका पीटीएफ टैक्स बहुत है। फोन तो बजट में आता है लेकिन इसका टैक्स बजट में नहीं आता। ये फोन आपको 65 से 70 तक मिल जाएगा। ओवरऑल कंडीशन पे डिपेंड है कि उसकी कंडीशन कैसी है, तो वाटर पैक है या नहीं है अदर कंडीशन में। तो इसलिए आपको, अगर आप पाकिस्तान में हैं तो नॉन पीटी लेना चाह रहे हैं तो वेल एंड गुड है। अगर आप इसकी टैक्स तरफ जा रहे हैं तो आपको बहुत महंगा पड़ने वाला है, तो आप मैं आपको कंसिडर नहीं करूंगा अगर आपने यहाँ पे सिम चला रही है, क्योंकि 75-70 तक वैसे मोबाइल मिलेगा आपको। 1,20,000-25,000 इसका टैक्स है, ये तो आपको पड़ जाएगा 2 लाख प्लस। तो अगर आप इसके अलावा अदर ऑप्शन देखें तो 2 लाख से प्लस आपको बहुत ही अच्छी पीटीए मोबाइल फोन मिल जाती हैं पाकिस्तान में। और अगर आप इंडिया, बांग्लादेश, ओमान, कतर या किसी और मुल्क में हैं तो ये डिवाइस बहुत ही अच्छी होने वाली है आपके लिए, तो आपके बजट में होने वाली है, तो आप खरीद सकते हैं। मैं आपको रिकमेंड भी करूंगा, और वैसे भी एक एक्स्ट्रा फोन रखने के लिए भी खरीद सकते हैं। अगर आप दुबई में देखें तो ये 250 दिरहम तक मिल जाएगा, और अगर आप किसी और मुल्क में देखें तो, अगर आप अमेरिका में देखें तो फिर तो क्या ही बात है, ये सिर्फ कोई $40-50 का मिल जाएगा। तो इंडिया में देखें तो 20-25-30 हज़ार का मिल जाएगा, और पीटीए वाला भी मसला नहीं होगा वहाँ पे। बांग्लादेश में भी कुछ ऐसे ही है, 40 हज़ार रुपये का मिल जाएगा। पाकिस्तान में आपको ये 65 और 75 के दरमियान मिलेगा, और ऊपर से आपको गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को 1,40,000 रुपये तकरीबन, थोड़ा ऊँच नीचे हो सकता है, ये पे करना होगा आपको। उसके बाद आप सिम चला सकते हैं। अगर आपने ये फ़ोन लेना, मैं आपको एक और चीज़ बता देता हूँ बड़ी काम की है, जो वीडियो एंड तक देखते हैं उनको काम तो मिलती है। आप ऐसा करें कि आप इस फ़ोन को ना पीटीएम में लें, क्योंकि अगर आप नॉन पीटीए लेंगे तो 75-70-65 तक ये पड़ेगा आपको, और उसके बाद फिर 1,50,000 रुपीज़ या 40,000 आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। आई थिंक ये 2 लाख समथिंग प्राइस बन जाती है। अगर आप इस मोबाइल को खरीदें पीटीए खरीदें तो आपको ये 1 लाख आई थिंक 25-20,000 रुपीज़ तक मिल जाता है। तो मैं बेहतर ये कंसिडर करूँगा, अगर आप लेने के लिए सोच रहे हैं तो आप आईफोन पीटीए ही लें। अगर हाँ आप एक एक्स्ट्रा डिवाइस रखना चाह रहे हैं फॉर वीडियो एंड फॉर गेमिंग एंड फॉर फोटोग्राफी, ये बेटर ऑप्शन हो सकता है। आप इसके बारे में क्या राय रखते हैं, मेरी तमाम वीडियोस और मेरे रिव्यू ओपिनियन के बारे में आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर आप ये फ़ोन इस्तेमाल कर रहे हैं, आप अपनी एक राय रखना चाह रहे हैं लोगों के लिए, तो भी आप कमेंट्स सेक्शन में मुझे कमेंट्स छोड़ सकते हैं।
अपना ओपिनियन लोगों का ख्याल रखिएगा, अगली वीडियो में मिलते हैं, गुड बाय।